नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। आइए पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। रबी फसल से क्रांति लाएगी नैनो डीएपी, प्रयागराज सहित देश में 8 प्लांट हुए तैयार। केंद्र सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान, टमाटर की खेती पर 37,500 रुपए तक मिलेगी सब्सिडी। खेती को आसान बनाएगी ई प्राइम मूवर मशीन, बुवाई से लेकर छिड़काव तक सारे काम होंगे आसान। कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी सरकार, आंध्र प्रदेश के युवाओं को मिलेगी 50% सब्सिडी। सरकार द्वारा किसानों के लिए बड़ी पहल, फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर मिल रहा 80% अनुदान। देश के किसानों के लिए खुशखबरी, 3 लाख रुपए तक के लोन पर छूट को मिली मंजूरी। अब विस्तार से इस सप्ताह की कृषि से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। नैनो यूरिया के बाद कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए नैनो डीएपी रबी फसल में उपलब्ध हो जाएगी। गुजरात के कलोल स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में इसका ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। इफको फूलपुर में भी नैनो डीएपी तैयार होगी और इसके लिए यहां भी प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए 9 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है, जिसमें उन्हें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 37,500 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और इस राशि के लिए सितंबर में आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और इसीलिए इस समय टमाटर की खेती किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है। सरकार इस योजना से टमाटर की खेती के लिए अनुदान की राशि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को देगी। कृषि क्षेत्र में आए दिन नए नए विकास देखने को मिल रहे हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल के कुछ वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा से चलने वाला ई प्राइम मूवर डिवाइस बनाया है। ये डिवाइस खेती के साथ साथ कई कामों को आसान बनाने में भी मदद करता है। ये प्राइम मूवर डिवाइस एक ऐसा यंत्र है जो कृषि क्षेत्र में क्रांति लेकर आया है। इस डिवाइस की मदद से किसानों को ईंधन बचाने में मदद मिलेगी। ई प्राइम मूवर मशीन की मदद से निराई गुड़ाई और रोपाई और बीज डालना काफी आसान हो जाएगा और इससे समय की भी काफी बचत होगी और इसके साथ ही ये डिवाइस पर्यावरण के लिए भी काफी मददगार साबित हो रहा है। आंध्र प्रदेश में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है और इसके तहत राज्य में युवाओं को सब्सिडी पर ड्रोन दिए जाएंगे। दरअसल प्रदेश के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास मंत्री एस अपला राजू ने कहा कि राज्य में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक को पूरी तरह से अपनाया जाएगा। मंत्री अपला राजू ने कहा कि कृषि विज्ञान में डिग्री रखने वाले युवाओं को ड्रोन खरीदने पर सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी दी जाएगी और इससे राज्य में ड्रोन के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। पर्यावरण को संरक्षित रखने एवं बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा चालू वित्त वर्ष 2022 और 23 में फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत फसल अवशेषों को खेत में मिलाने और अन्य प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को 50% और कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80% तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। साथ ही कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से 9 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके तहत इच्छुक किसान 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए तक के लोन पर छूट देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। किसानों को 1.5% ब्याज की दर पर छूट देने का फैसला किया गया है और इसके तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को साल 2022 और 23 से साल 2024 और 25 के बीच अतिरिक्त 29,047 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। देश में प्याज किसान इन दोनों भारी संकट से जूझ रहे हैं। किसानों द्वारा प्याज को औने पौने दाम पर बेचने की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और इसकी सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र के किसानों पर पड़ रही है। यहां के अहमदनगर में किसानों की तरफ से प्याज के रेट को बढ़ाने की मांग की गई है और इसके लिए सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया है। फसल की लागत नहीं निकलने की वजह से अन्नदाता काफी हैरान और परेशान है और इसके चलते किसानों ने सरकार से मदद करने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के तट पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अब और तेज होकर दबाव में बदल सकता है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों में यह दबाव का क्षेत्र ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश की गतिविधियां काफी बढ़ सकती हैं। और आज FTB ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि कौन सी फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और आपके ऑप्शन है नंबर 1 सोयाबीन, नंबर 2 मूंगफली, नंबर 3 ग्वार, नंबर 4 अलसी।
तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें FTB ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।